अगर आप लोग येस बैंक के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो येस बैंक के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं दिए हैं। इसके अपोजिट में येस बैंक के शेयर्स की प्राइस गिरते ही जा रही है। करंटली अगर आप लोग येस बैंक के शेयर्स को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म में देखेंगे तब यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई देंगे। कंपनी के शेयर की प्राइस पिछले एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड से गिरते जा रही है और येस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या तो आपको उस कंपनी के शेयर को सेल करके किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि येस बैंक के शेयर्स डाउन परफॉर्म क्यों कर रहे हैं और तो और इस कंपनी के शेयर्स के डाउन परफॉर्म करने के पीछे के रीजन क्या है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल थोड़े बहुत इंप्रूव होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं हर एक चीज डिटेल में। अगर आप लोग येस बैंक के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। करंटली येस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो कर चुका है और करंटली इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 225 करोड़ का। अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3% से गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और करंटली इस कंपनी को 1925 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है। इसके बाद अगर आप लोग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को देखेंगे तो इसका रेशियो 2% तक पहुंच चुका है जो कि प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन के बराबर ही है। कंपनी का जो नेट नॉन प्रॉफिट असेट का रेशियो है वो निकल कर आता है 0.95 का जो कि पहले 1% के आसपास का था। मतलब यहाँ पर 0.05% का डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर आप ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्वार्टर टू में काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस रही है। पिछले काफी क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट काफी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। इसके पीछे के तीन इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला जो है वो येस बैंक की एसेट क्वालिटी है। येस बैंक की असेट्स की क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है, लेकिन अगर आप लोग येस बैंक के असेट की क्वालिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पास्ट रिकॉर्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही होगी, लेकिन असेट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। पहले क्या हुआ था कि जब येस बैंक का बिजनेस एक्यूरेटली चल रहा था तब येस बैंक ने ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को लोन दिया था जिन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू किया और सारे लोन के डिफॉल्ट होने की वजह से कंपनीज के एनपीएस इंक्रीज होते गए और यहाँ पर कंपनीज के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की क्वालिटी भी डिक्रीज होते गई। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कंपनी के डेट। अगर आप लोग येस बैंक के लोन बुक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि येस बैंक के ऊपर डेट जो है वो काफी ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि येस बैंक ने पास्ट में जितने भी लोन सैंक्शन किए थे इन सारे लोन्स में ज्यादातर लोन जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी वाले थे और जितने भी हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोन मार्केट में इशू किए गए थे येस बैंक के द्वारा उन सभी लोन अकाउंट पर येस बैंक ने हाई इंटरेस्ट चार्ज किया था और हाई लोन कैटेगरी वाले जितने भी लोन थे उन सभी ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था और इसकी वजह से येस बैंक के एनपीएस और येस बैंक के डेट जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो येस बैंक का डेट लगातार बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि बिजनेस को रन करना भी जरूरी है और डेट को कम करना भी जरूरी है। इसके बाद येस बैंक के शेयर्स क्रैश होने के पीछे का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आप लोग देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार इस कंपनी के शेयर्स को सेल करते जा रहे हैं और ऐसा करने की वजह से येस बैंक के शेयर्स में सेलिंग प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है और इसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस। अगर आप लोग येस बैंक के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो येस बैंक के शेयर ने 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और नेगेटिव रिटर्न देने की वजह से मार्केट में इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं वो सभी के सभी अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करना चाहते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि येस बैंक के शेयर्स के क्रैश होने के पीछे का रीजन क्या है और अब हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पर। करंटली अगर आप लोग येस बैंक को देखेंगे तो येस बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट काफी अच्छे आते जा रहे हैं। पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इस साल के रिजल्ट अट्रैक्टिव आए हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और अगर आप लोग येस बैंक के फाइनेंशियल्स को येस बैंक के शेयर की ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं और अगर ओवरऑल वैल्यूएशन की बात की जाए तो येस बैंक के शेयर की वैल्यूएशन अभी सही नहीं है। आई पर्सनली फील कि आपको येस बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। येस बैंक के अलावा मार्केट में से बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि येस बैंक के शेयर्स की प्राइस बढ़े तब यहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां पर ये शेयर आपके लिए प्रॉपर नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर में और भी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप किसी और कंपनी के शेयर को चेकआउट कर सकते हैं या किसी और मल्टीबैगर शेयर को चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।